ज्ञानेश्वर संत, संत है ज्ञानेश्वर संत है। मानव बुद्ध तो कितने पैसे लिए तुमने गद्दारों से। चलो उसके लिए मैं स्पेशल कभी लाइव में आ जाऊंगा और उसका पूरा हिसाब भी दे दूंगा। आज के इस कार्यक्रम के बाद शायद बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे पैसे। अभी पैसे तो लिए मैंने एडवांस, पर नीलम दीदी आज चैनल पर आई है तो मुझे लगता है कि अब पैसे बहुत ज्यादा मिलेंगे मुझे। पैसा मिले ना मिले उसे क्या, हमारा पर्पज है कि हम गुरु की चर्चा करेंगे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा आ रही है तो हर व्यक्ति का गुरु पूर्णिमा पे अपना अपना एक श्रद्धा का पुष्प देने का तरीका होता है। आप शब्दों से पुष्प अर्पित करोगे, आप ले जाके माला ही बापू के श्री चरणों में रखोगे, आप किसी गरीब को खाना खिला दोगे, सबका अपना तरीका होता है गुरु पूनम मनाने का। हम क्योंकि पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार हो मैं भी पत्रकार हूँ, तो हम लोगों को अपनी बातों से समाज में गुरु 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 के निमित्त पुष्प बांटने का अधिकार है, तो हम अपने अधिकार का पालन कर रहे हैं। इसमें कोई अगर हमें ये कहे कि हमने पैसे लिए हैं तो ये बता दीजिए किससे लिए हैं। मुझ पर भी बहुत आरोप लोग लगाते हैं, अब हर शो जब भी शो पे आती हूँ शो के बाद व्हाट्सअप पे ट्विटर पे सब पे चलता है कि इतने करोड़ रुपए, इतने करोड़ रुपए। भैया कितने करोड़ रुपए मैंने कहाँ रखे बता तो दो। तो ये आरोप लगाना बड़ा आसान है कि वो लड़की को पटा रखा है या वो पैसा ले रहा है, ये दो आरोप लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसका बेस देख के बताओ। क्योंकि जो शब्द आप कह रहे हो वो शब्द आप पर भी अटैक करता है। आपने मुंह से बोला तो जरूर है, लेकिन उस मुंह से बोलने से पहले वो शब्द आपकी अंतरात्मा में, आपके इनर कॉन्शियस में आ जाता है, और जब वो शब्द नेगेटिव है तो आपकी इनर कॉन्शियस को ज्यादा डिस्टर्ब करता है बजाय के बाहर डिस्टर्बेंस फैलाने के। तो आप जो बाहर डिस्टर्बेंस फैला रहे हो ऐसे शब्द बोल के, उससे ज्यादा तो आपका इनर कॉन्शियस डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप अपने पे तो कम से कम दया करो, बाहर वालों पे मत करो कोई बात नहीं, अपने पे दया करो भाई। हम अगर पैसे ले भी रहे हैं तो आप पहले बताओ कौन ले रहा है, कितने ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, और दे कौन रहा है पैसा। बापू के खिलाफ लोगों ने बहुत बांटा है, जब 2013 हुआ था, 2013 में आरोप लगा था, मैं खुद एक चैनल में काम करती थी, मेरे ही चैनल बिक गया था, मेरे ही खिलाफ मेरा ही चैनल बैठा हुआ था, मैं अपने ही स्टूडियो में अपने ही पत्रकारों से लड़ती थी और मेरा वो पत्रकार मेरा सबऑर्डिनेट होता था। जब स्टूडियो से बाहर आती थी तो वो बोलता था मैम सॉरी, मैम क्या करें ऊपर से आदेश था, हमने आपसे ऐसे बात कर ली, हम ऐसा चाहते नहीं है। तो ये सब जगह था, तो वो तब एक ऐसा था आरोपों की झड़ी, आरोपों की झड़ी, आरोपों। अब वो लगी तो लगी, हमने झेला भी, अब आपस में मत लगाओ, आपस में मत लड़ो, आपस में एक रहो ताकि बाहर वालों को संदेश मिले कि इनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 8 सालों में वो हमारा सचमुच कुछ नहीं बिगाड़ सके, अब वो नई कोशिश कर रहे हैं, तो उस नई कोशिश के बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए, हमें एक रहना चाहिए।